वेलकम टू एग्जाम वीर, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर अपने। तो मैं वसीम अकरम एक बेहतरीन सेशन को लेकर आया हूं दोबारा से जीके के लिए, जो जीडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चंस को कवर किया था, उन्हीं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इन क्वेश्चन से बनते हैं उनको इसी क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट सेशन से नहीं जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाएंगे। आशा करता हूँ कि सेशन बहुत बढ़िया होगा, जीडी के लिए बेस्ट सेशन होगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए आए हों वो जल्दी से चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बतानी है कि वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस किस तरीके के लग रहे हैं। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी से एकदम से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो नहीं डले उसका एकदम से नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। ओके, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। एक सेकेंड, बस एक पेन ले लें। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है। अभी मैंने पिछली क्लास के अंदर मेंशन किया था, जिसे आप अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, अर्थव्यवस्था जिसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लियर। इसी के फाउंडर कौन थे, फाउंडर, अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो कौन थे, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्हीं की एक बुक का मैंने नाम मेंशन कर दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, क्लियर। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक का नाम था, एडम स्मिथ की। नाम याद रखना, फाउंडर कौन है अर्थव्यवस्था के, एडम स्मिथ। याद रखना भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारा क्षेत्र है, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमें सीख लेनी है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्लियर है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी अर्थव्यवस्था को हम तीन क्षेत्रों के अंदर विभाजित करते हैं, कितने क्षेत्रों के अंदर, तीन क्षेत्रों के अंदर हम इसे विभाजित करते हैं। नंबर फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, नंबर फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, नंबर सेकंड क्या आएगा हमारा, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, क्लियर। और हमने नेक्स्ट बात करनी है तृतीयक क्षेत्र की, तृतीयक क्षेत्र, नंबर थर्ड हमारा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसका आंसर एक बार मेंशन कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का, एक सेकंड भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, सबको पता होगा कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र है। याद रखना कृषि कैसा क्षेत्र है, कृषि हुआ, शिकार हुआ, खनन हुआ, कृषि, शिकार, खनन, ये सब कैसे क्षेत्रों के अंदर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं। याद रखना सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आप जिसे क्या बोल देंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, द्वितीयक क्षेत्र की सीमाओं के अंदर दिखाई देंगे, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, क्लियर, सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, याद करना द्वितीयक क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्या, विनिर्माण क्षेत्र एवं मैन्युफैक्चरिंग, एवं उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, 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 क्लियर। तो सबने याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आ रहा है, कृषि, शिकार, खनन, देन दूसरा द्वितीयक क्षेत्र के अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी क्षेत्र जो होता है, देन नेक्स्ट की बात करेंगे विनिर्माण क्षेत्र एवं मैन्युफैक्चरिंग द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, देन तृतीय क्षेत्र के अंदर हम बात करने हैं जिसे आप बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसे क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जैसे संचार, यातायात, संचार, यातायात, बैंकिंग। तो ये सब क्या है हमारे, ये क्या है, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। डायरेक्ट पूछता है जैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो आपने आंसर क्या दिया भाई, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन वो पूछ ले तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न्याय तंत्र किस तंत्र के अंदर आता है, तो दोनों मेंशन करना किसके अंदर आएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंदर आएगा, क्लियर। देन नेक्स्ट अगर हमने बात करनी है तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी किसके अंदर आएगा भाई, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, क्लियर।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, संचार और यातायात, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, याद रखना। विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किसके अंदर आएंगे भाई, हमने पढ़ा द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी कैंडिडेट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है, भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है, तो क्या आंसर देंगे आप, उड़ीसा झारखंड, क्या होगा, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, क्लियर। तो याद रखना, देखो बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे तांबा कहां से प्राप्त होगा, तांबा याद रखना राजस्थान, कहां से, राजस्थान, और वो भी कहां से मिलता हुआ दिखाई देगा, खेतरी, क्लियर। ये जगह का नाम है जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हमारे प्राप्त हो रहे हैं, तांबा। भारत में पूछेगा हीरे कहां, हीरे, हीरे की प्राप्ति कहां से हो रही है, हीरा, हीरा, क्लियर। तो आपको क्या बताना है, हीना कहां मिलेगा, पन्ना, पन्ना कहां, पन्ना की खान, और ये कहां है, पन्ना की खान मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछेगा कोयला कहां से प्राप्त होगा, कोयला, तो याद रखना झारखंड से कोयला प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी के बाद में आपने सबने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं केजीएफ, क्या बोलते हैं, केजीएफ, पिक्चर के नाम से भी जानते होंगे सब, इसको क्या बोलते हैं, कोलार, इसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फाइनर, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखना सोना निकलता कहां से है, जहां कोयला होता है, ठीक है, जहां कोयला होता है। अगर हमने बात करनी है जैसे कि लोअर अयस्क क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई, तो हमने मेंशन कर लिया तांबा कहां से प्राप्त होगा, हीरा कहां से प्राप्त हो रहा है, कोयला कहां से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट, कोयला, ठीक है, क्या जानते हैं आप, कोयला, कोयला कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का, कितने प्रकार का, चार, मेंशन कर लेते हैं चारों के नंबर, ठीक है, पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो कोयले की अगर हम बात करेंगे तो नंबर एक पे क्या आता है, एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट, ठीक है, ये सब क्या है, कोयले के प्रकार। याद रखना जिसके अंदर क्या कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, याद रखना 94% किसके अंदर पाया जाएगा लगभग, कार्बन, एंथ्रेसाइट के अंदर 90% प्लस किसके अंदर, एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर क्या पाया जाएगा, कार्बन का अपरूप पाया जाएगा, कार्बन की परसेंटेज पाई जाएगी। तो याद रखना जित भी कोयले के अंदर जितनी कार्बन की प्रतिशत होगी वो कोयला उतना ही क्या होगा, उच्च होगा, उच्च प्रवृत्ति का होगा। याद रखना भारत के अंदर सर्वाधिक किस प्रकार का प्राप्त होता है, भी बिटुमिनस टाइप का कोयला प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये मेंशन करा हमने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से बहुत सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे देखो इन चार ऑप्शन में से किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति, ठीक है, बोल दिया गया है क्या, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है भाई, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्लियर, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, सबके आंसर होंगे क्या, गौतम बुद्ध, क्या होगा, गौतम बुद्ध, क्लियर। अब देखना हमने एक बहुत बेहतरीन इसके अंदर सेशन को कवर कर लेना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गौतम बुद्ध। तो देखो सब जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, थोड़ा सा बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन आ गया है, तो देखो ध्यान से समझना। जैसे जैसे छठी शताब्दी के दौरान धार्मिक सुधार आंदोलन होने स्टार्ट हुए, उन्हीं के तहत स्थापित होने वाला पहला धर्म क्या था, बौद्ध धर्म। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसके संस्थापक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो संस्थापक कौन होंगे, गौतम बुद्ध, कौन होंगे, गौतम बुद्ध, क्लियर। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन गौतम बुद्ध के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम तो सबको पता होगा क्या नाम था, सिद्धार्थ, क्या था नाम, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। इन्हीं की बात करें, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563
याद रखना, कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु, लुम्बिनी नामक ग्राम में। कहां? लुम्बिनी नामक ग्राम। क्लियर, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल। क्लियर, नेपाल। अगर हमने बात करनी है तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनके पिता का नाम क्या है, जो सबको इनके पिता के नाम याद होंगे, क्या है? सुत्रोधन। ठीक है, माता का नाम क्या था इनकी? महामाया। क्या नाम था? महामाया। ठीक है, इन्हीं की मौसी, क्योंकि इनकी क्या हो गया था, माता का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, इसलिए क्या इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति। याद रखना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी के अंदर, ठीक है, नेपाल के अंदर हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुत्रोधन, माता का नाम महामाया, और मौसी कौन थी? गौतमी प्रजापति। ठीक है, इनके ही बेटे का नाम क्या था? राहुल। ठीक है ना, क्लियर। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्लियर, उसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जैसे बौद्ध धर्म की क्या संगीतियां, तो बौद्ध धर्म के अंदर कुल कितनी संगीतियां हुई हैं? छह। कुल संगीति कितनी संगीति हुई है टोटल? छह। छह के छह मेंशन कर लेते हैं, जिससे आने वाले पेपर में हमें सब याद हो जाए। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम सबको याद करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी संगीतियां हुई हैं? छह टोटल संगीतियां हुई हैं। हमको याद रखनी है कि किस किस कालक्रम के अंदर, तो याद रखना गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उन्हें भी अभी हम पढ़ लेंगे एक बार में। ठीक है, जैसे कि सीख लेते हैं एक बार, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या? गृह त्याग। गृह त्याग याद रखना, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभी निष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभी निष्क्रमण। महा गृह त्याग की घटना क्या कहा गया? महाभी निष्क्रमण। ठीक है, याद रखना है क्या बोला गया? महाभी निष्क्रमण। क्लियर, गृह त्याग की घटना क्या बोली गई? महाभी निष्क्रमण। देन नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक सेकेंड हुई, गृह त्याग, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के अगर बारे में हम जानेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या बोला जाएगा? संबोधि, संबोधि। याद रखना, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, याद रखना कहां पर हुई है? बोध गया। कहां? बोध गया। ठीक है, किसकी? ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया के अंदर, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब बोध गया कहां है? बिहार में। ठीक है, बोध गया कहां पर है? बिहार में। किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे। सब सवाल पूछे जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ लेगा वो यहां से ही कि किस नदी के किनारे, तो याद रखना निरंजना। किसके? निरंजना नदी के किनारे, इसी को फाल्गुनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। तो देखो नेक्स्ट हमने एक और सीख लिया, जिसका नाम क्या है भाई? ज्ञान की प्राप्ति। तो नेक्स्ट अगर हमने बात करनी है तो प्रथम उपदेश। उपदेश अपने पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, और याद रखना इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा के अंदर दिए थे? सबके सब पाली भाषा में लिखित थे। कैसी? पाली भाषा में लिखित थे। क्लियर, अगर हमने देखना है तो इस घटना को क्या कहा गया था? याद रखना, इस घटना को क्या बोला गया? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन। क्लियर भाई, धर्म चक्र परिवर्तन। तो लास्ट एंड फाइनल एक और घटना आप पढ़ते होंगे, क्या बोलते हैं जिसको? इनकी मृत्यु। क्या? मृत्यु। तो याद रखना मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? इनकी सबने लिखना है क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। महा परि, एक सेकेंड भाई, महा परि निर्वाण। क्लियर, महापरिनिर्वाण। और याद रखना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्लियर, वाराणसी के नजदीक। ठीक है, बात करेंगे महापरिनिर्वाण की, तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? कुशीनगर के अंदर। कौन सी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है भाई? कुशीनगर। देन नेक्स्ट ईयर हमने बात करनी है तो हमें सीख लेनी है बौद्ध धर्म की टोटल कितनी संगीतियां हुई हैं? कुल छह संगीतियां हुई हैं। अगर हम पहली की बात करें तो पहली संगीति कब? जब उनकी मृत्यु हुई, 483। इसी तरीके से क्रम इनके चेंज होते रहेंगे, 383, 283, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी,
उसके बाद पांचवी कब होगी 1871, ठीक है, और छठी कब होगी 1954। पहली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है सबको, ठीक है, पहली किसके टाइम पीरियड पर होगी, अजातशत्रु के, अजातशत्रु, ठीक है। दूसरी किसके टाइम पीरियड पर होगी, आप इस तरीके से ट्रिक लिखते हैं, ए के और ए के, क्लियर। और यहां कौन होंगे, मिंडन, ए के मिंडन, और एक बार कौन होंगे, म्यांमार के पीएम, म्यांमार पीएम, क्लियर। यहां पर कौन होंगे, म्यांमार के पीएम। तो नंबर फर्स्ट पे कौन होंगे, अजातशत्रु, फिर कौन होंगे, कालाशोक, ठीक है, और फिर नंबर थर्ड पर कौन होंगे, अशोक, और नंबर चार पर कौन होंगे हमारे, कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। और 1871 के अंदर याद रखना कौन, राजा मिंडन, कौन, राजा मिंडन, और छठी में कौन होंगे, पीएम, कहां के, म्यांमार के पीएम, म्यांमार, क्लियर। तो पांचवी और छठी ये दोनों हुई कहां पर थी, म्यांमार के अंदर। पहली कहां पर हुई थी, राजगृह, कहां, राजगृह, ठीक है। दूसरी कहां हुई थी, कालाशोक के टाइम पीरियड पर, याद रखना, वैशाली, कहां, वैशाली। देन नेक्स्ट ये अगर हम बात करेंगे अशोक, तो याद रखना कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। और नंबर फोर्थ कनिष्क वाली कहां हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, क्लियर है ना। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे भी सभी कैंडिडेट, क्लास को लाइक कर देंगे एकदम से, ठीक है, क्लास को शेयर लाइक तुरंत करो भाई जल्दी से, ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत दर हमने इस क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार और दो एक बार इसके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसके द्वारा आपको और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना बौद्ध धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में मैंने सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, तो याद रखना गौतम बुद्ध बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है, ठीक है। इसके बारे में ये जरूर याद रखना है, इन्हें कोई तथागत बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उपनाम के तौर पर अगर जानोगे तो इनको क्या बोला जाएगा, तथागत, ठीक है। शाक्य मुनि किसे कहा जाएगा, गौतम बुद्ध को। शाक्य सिंह किसे कहा जाएगा, गौतम बुद्ध को, ठीक है। और एशिया का ज्योतिपुंज भी किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी आगे, ओके, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। सबको याद होगा क्या होगा, भरतनाट्यम, याद भी रखना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिकल, क्लासिकल डांस, क्या, क्लासिकल डांस। भारत के अंदर दो प्रकार के डांसेस होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जो स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए अपॉइंटेड कर दिए गए हैं। जैसे एक तरफ अगर हम क्लासिक डांस की बात कर रहे हैं, क्लासिक जिसे हम बोलते हैं शास्त्रीय, क्लासिक, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिक डांस, और हम दूसरी तरफ अगर बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं फोक डांस, फोक डांस, इसको क्या बोलते हैं, लोक नृत्य, ठीक है। स्टेट के अंदर जो सारे स्टेट के अंदर अपने अपने लोक नृत्य किए जाते हैं। तो याद रखना भारत के अंदर टोटल लोक नृत्यों की संख्या कितनी है, एक सेकेंड में, भारत के अंदर टोटल लोक नृत्यों की संख्या कितनी है, 8, सभी को याद होंगे 8 के 8, आशा करता हूँ सभी के याद होंगे, ठीक है। तो कितने होंगे टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भाई, शास्त्रीय नृत्य 8, ठीक है, 8 के 8 को मेंशन कर लेना है, 1, 2, 3, नंबर 4, 3, देन नंबर 4, इधर लिख लेंगे भी नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, देन नंबर 8, ठीक है। तो देखो ध्यान से रखना, पहला तो यही हो जाएगा कौन सा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, क्लियर। कहाँ का है ये, थोड़ा सा इधर साइड में लिख लेते हैं भी, जिससे कि सबको पता रहना चाहिए कौन सा किस स्टेट का है। तमिलनाडु बात करेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का है, TN फॉर तमिलनाडु, क्लियर। देन नेक्स्ट हमने बात करनी है, नेक्स्ट कौन सा आएगा भी हमारा, कुचिपुड़ी, नेक्स्ट क्या आया, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, फिर उसके बाद क्या आया हमारा, कथक, कथक, कथक के बाद क्या आया, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया, सत्रिया के बाद क्या आएगा हमारा, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम के बाद क्या आएगा हमारा, कथकली, कथकली, और कथकली के बाद क्या आएगा हमारा, उड़ीसा, ओडिसी, और मणिपुरी, और मणिपुरी,
क्लियर भाई। तो ये क्या है, हमारे आठ लोक क्या है, आठ शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर। अभी मेंशन कर लेते हैं कौन सा किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो याद रखना कुचिपुड़ी किस स्टेट को बिलोंग करेगा, आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कथक किसको प्रदर्शित करेगा, वर्तमान हमारे उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश। क्षत्रिय किसको करेगा, असम को। ठीक है, जहां का एक प्रमुख क्या है, और याद रखना असम का एक प्रमुख ठीक है लोक नृत्य है, जिसके किस नाम से जानते हैं, बिहू के नाम से जानते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ के हैं, केरल। मोहिनी अट्टम और कथकली उड़ीसा की बात करें, उड़ीसी कहाँ का होगा, उड़ीसा, उड़ीसा। क्लियर। देन नेक्स्ट हमने बात करनी है मणिपुरी कहाँ का होगा, मणिपुर। कहाँ का होगा, मणिपुर। तो ये क्या है, हमारे लोक नृत्य हैं जो कंपलसरी आपके याद होने चाहिए। ठीक है, कितने होते हैं टोटल, आठ लोक नृत्य क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, सॉरी। ठीक है, कितनी संख्या है शास्त्रीय नृत्यों की, आठ शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे। ठीक है, तो देख लेना इधर थोड़ा सा एक और चीज सीख लेते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो चार तो इसी के अंदर मेंशन किए गए हैं, कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का, इतना लगा लेना, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ का हमारा, केरल। और कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। क्लियर। अगर हमने बात करनी है तो ऐसी क्या होती है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं आप शास्त्रीय भाषा, इसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती है, शास्त्रीय भाषाएं छह शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कंपलसरी सबके याद होनी चाहिए। ठीक है, छह शास्त्रीय भाषाएं, चार पांच देन छह। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं छह की छह कंपलसरी सबके याद होनी चाहिए। देखो आपने सबने हिंदी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि हिंदी के अंदर कुछ भाषा परिवार आते हैं, इनको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है, जैसे कि भारूपी भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, तो भारूपी भाषा परिवार की बात में एक परिवार आता है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। किस नाम से, द्रविड़ भाषा परिवार। उसी के अंदर कितनी लैंग्वेजेस आती है, चार लैंग्वेजेस आती है, किसके अंदर, द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सी, तेलुगु, कौन सी, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़ीसी और मणिपुरी। उड़ीसी और मणिपुरी। क्लियर। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी और मणिपुरी, ये क्या है हमारी छह क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो भारत के अंदर क्या है, प्रचलित हैं। याद रखना कौन सी सबसे प्राचीन कौन सी होगी, तमिल। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सी होगी, तमिल। सबसे नवीनतम कौन सी होगी हमारी, ठीक है, उड़ीसी। ठीक है, सबसे नवीनतम कौन सी होगी, उड़ीसी। क्लियर अगर हुआ देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एक बार। ठीक है, सभी कैंडिडेट जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भी एक बार जल्दी से। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है भाई, हो गया। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्लियर, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर ब्लर के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है, कैमरा सेट होने में टाइम लग गया। भारत देश का सबसे छोटा क्या होगा, राज्य कौन सा है, भारत देश। तो भारत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहीं पर ले लेंगे, भारत। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का मेंशन तो कर लिया था ना, आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 11 तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य की शैली। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा, भरतनाट्यम। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सभी को पता होगा, याद रखना थोड़ा सा मेंशनिंग करने की बात है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तब आपने आंसर देना है, पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से तब तब दोनों आंसर मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वो पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आंसर होगा। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा होगा, गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा होगा, सिक्किम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब क्या राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हुआ है, देखा
किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो तीन ओर किससे घिरा हुआ है? तीन ओर से घिरा हुआ है किससे? तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। याद रखना किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश। क्लियर, किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? सातवां। क्लास के अंदर मेंशन करा दिया गया था, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सातवां नंबर है। पहले पे कौन है? रसिया। बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर, याद रखना है भारत का। अगर हम बहुत सवाल भी इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे कि भारत का पूरे विश्व के अंदर क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? सातवां। तो वो पूछ सकता है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको आंसर याद रखना है 2.4%। कितना? 2.4% क्या होगा? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल होगा। क्लियर। और अगर हम मेंशन करेंगे जैसे गोवा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी की कंपलसरी राजधानी है याद होनी चाहिए। जैसे गोवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन हो? गोवा, याद रखना है इसकी सीएम कौन है, कौन होंगे? गोवा की सीएम, ठीक है। तो नेक्स्ट याद रखना राजधानी क्या होगी इसकी? पणजी। प्रमोद सावंत कौन होंगे? इसके यहाँ के सीएम होंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से सिक्किम की राजधानी क्या होगी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या होगी? गंगटोक। क्लियर। और नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला। अगरतला, क्लियर। पंजाब की राजधानी सभी को पता होगी क्या है? चंडीगढ़। क्या होगी? चंडीगढ़। क्लियर, ठीक है। तो देखो भारत की अगर हम दृष्टियों की बात कर रहे हैं तो भारत का ही एक क्या है? राज्य है, जो छोटा और सबसे बड़ा पूछ लिया गया। जैसे कि हमसे सबसे छोटा पूछ लिया गया क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा पूछ लिया गया, तो देखो दोनों के क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए अगर बात करेगा तो टॉप मोस्ट फर्स्ट रैंक पे कौन है क्षेत्रफल के अंदर हमारे यहाँ पर? सभी को याद होगा क्या? राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है यूएन की, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2023 के अंदर जो इंडिया की क्या है, इंडिया की जो जनसंख्या है, ठीक है, इंडिया की जनसंख्या, ठीक है, वो वर्ल्ड की क्या होगी? टॉप मोस्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पर आ जाएगी, ठीक है। कब? 2023 के अंदर। याद रखना दो यूएन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसने क्या बताया है कि 2023 तक जो भारत की जनसंख्या है वो कौन सी रैंक पर आ जाएगी? चीन को पछाड़कर फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लेगी, इतनी जनसंख्या हो गई है। बात रखना उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनगणना, ठीक है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन अगर दोबारा से सेंसस कराई जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ यहाँ की क्या हो गई है? जनसंख्या हो गई है। क्लियर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा भाई हमारा? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक, रजत याद रखना सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतने वाली पहली महिला सिल्वर मेडल, सभी को आंसर पता होगा क्या होगा? पीबी सिंधु। कौन? पीबी सिंधु, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। किस खेल से संबंधित है भाई? बैडमिंटन। क्लियर, याद रखना पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो 2016 की रियो ओलंपिक, 2016 का रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक्स के अंदर क्या जीता था? सिल्वर मेडल। क्या जीता? सिल्वर मेडल, ठीक है। इसलिए पूछा गया कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2020 के जो क्या समर ओलंपिक हुए 32वें सेशन के समर ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक में याद रखना पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है ना, कौन सा मेडल जीता है भी? ब्रॉन्ज मेडल। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे तन्वी लाड हुआ, अरुंधति पत्तान भी हुआ, सायना नेहवाल हुआ, ये सब किससे संबंधित है भी? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सब, नाम याद रखने हैं। तन्वी लाड, अरुंधति पत्तानवे, सानिया नेहवाल, ये सब किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं, ठीक है। अगर हम कुछ देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और, जैसे कि एक शब्द मिल गया आपको, क्या हुआ? ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो देखो क्वेश्चन अभी वर्तमान में जैसे कि आपको बता दिया गया है, जैसे जीडी, हाईकोर्ट, स्टेनोग्राफर क्लर्क, यूपीपीसीएल और मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टेट एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। हाँ, आपको पता चल गया होगा कि अभी एक लेटेस्ट खबर है कि 19 दिसंबर से शायद, ठीक है, ऐसी खबर है कि 19 दिसंबर से यूपी पुलिस के क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। कब?
19 दिसंबर 2022 से, क्लियर। तो आपको ये सेशन बहुत मदद करेगा, ठीक है जी, के हर एक सेशन के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना 19 दिसंबर 2022 से किसके फॉर्म भरने की संभावना हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उसी के लिए ओलंपिक अगर हम बात करें तो 2022 का अभी जो वर्तमान में देखना है करंट अफेयर्स के थ्रू, ठीक है। याद रखना ओलंपिक, ये सवाल पूछा गया ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो कुछ सवाल जैसे पहली कांस्य पदक, पहली कांस्य पदक विजेता महिला, पहली कांस्य पदक विजेता महिला, विजेता महिला क्या नाम होगा, कर्णम मल्लेश्वरी, क्या नाम होगा, कर्णम मल्लेश्वरी, क्लियर है ना। याद रखना कब, 2000 सिडनी ओलंपिक, कौन सा सिडनी ओलंपिक के अंदर पहली महिला थी जिसने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कौन सा कांस्य पदक जीता था 2000 के अंदर, क्लियर। अगर हम बात करें भारत पहले पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल, पहला व्यक्तिगत पदक, वो भी कौन सा कांस्य, ठीक है। तो किसने जिताया, कौन लेके आया, केडी जाधव, कौन, केडी जाधव, केडी जाधव, ठीक है। केडी जाधव की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा पदक लेके आए थे, कांस्य, ठीक है। और हम बात करेंगे कब लेके आए थे, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक, क्लियर है ना। हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर क्या लेके आए थे, पहला ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, क्लियर। तो देखो अब हम कुछ ओलंपिक के बारे में पढ़ लेते हैं भी, मोस्ट, ठीक है, कई बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। थोड़ा सा बस थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे, एक सेकंड बस। तो देखो भी हम एक कवर करते हुए दिखाई देंगे यहाँ, कौन सा 32 सेकंड समर ओलंपिक, समर ओलंपिक, क्लियर। इसी के अंदर हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करने हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है इसका शुभंकर क्या है, क्या है भाई, मिराई तोबा, मिराई तोबा, क्लियर हुआ। अगर हम बात करेंगे ये कहां हुए हैं, हेल्ड, ठीक है, कहां पर, टोक्यो, टोक्यो जापान, किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी, क्लियर। कहां पर हुए हैं भी, जापान के अंदर। बात करनी है इंडिया, ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है, 48, ठीक है। मेडल की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के, तो टोटल कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने, 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। रेशियो सबको याद होने चाहिए, ठीक है, रेशियो क्या होगा, 1 2 का 4, क्लियर। तो क्या 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। उस गोल्ड को सभी के याद होगा, वो गोल्ड मेडल जीता किसने था, नीरज चोपड़ा, किसने, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। कितना, 87.58 मीटर भाला फेंक, किसमें, भाला फेंक, क्लियर है ना, किसमें जीता था भाई, भाला फेंक में। और इसी के उपलक्ष में 7 अगस्त, ठीक है, 2022, ठीक है, याद रखना 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, 7 अगस्त से भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्लियर। तो 32 समर ओलंपिक को हमने कवर किया, इसका शुभंकर क्या है, मिराई तोबा। अब यहां से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, एक होगा ध्वज वाहक, ठीक है, और ध्वज समापन। तो याद रखना कौन थे भाई, एमसी मैरीकॉम, एमसी, एक सेकेंड, कौन होंगे, एमसी मैरीकॉम, और उनके साथ कौन होंगी, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, ठीक है। और हम बात करेंगे समापन में, तो समापन में कौन होंगे, बजरंग पुनिया, कौन होंगे, बजरंग पुनिया, याद रखना क्या नाम होगा, बजरंग पुनिया। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट याद होने चाहिए भी, ठीक है। अभी हमने क्या कवर कर लिया है, समर ओलंपिक कवर कर लिया है, ठीक है। याद रखना समर ओलंपिक के बाद में हम इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी पीपीटी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, किसी भी सेशन के अंदर कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा पैरा ओलंपिक, ठीक है, और इस तरीके के विंटर ओलंपिक सभी सेशन के अंदर कवर कर लिए जाएंगे। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन कराए गए, सेशन को लाइक कर देंगे भी सभी कैंडिडेट, ठीक है। ओके
ओके भाई, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, सभी को आंसर होगा क्या, नागपुर। कहां पर हुई थी, नागपुर सेशन के अंदर, ठीक है, कहां, नागपुर सेशन। अगर हम बात करेंगे अध्यक्षता की, अध्यक्षता सलीम राघवाचारी, ठीक है, सलीम राघवाचारी 1920 के सेशन को क्या करते हुए दिखाई देंगे, लीड करते हुए दिखाई देंगे। एक शब्द आपने पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन क्या होगी, एक पार्टी होगी जिसकी स्थापना हमने पढ़ लेनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, 1885, 1885 को हुई थी, ठीक है। हमने बात करनी है इसके संस्थापक कौन थे, तो सभी को संस्थापक नाम याद होंगे, क्या नाम है उनका, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम, इन्हीं का पूरा नाम क्या था, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। 1857 के अंदर जो सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, पहली, याद रखना, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गठित हुआ था, उसी के दौरान, याद रखना, 1857 के अंदर, क्या ये एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, क्या था, इटावा का कलेक्टर था, कौन था, इटावा का कलेक्टर, ऐसा इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम अपनी जान बचाने के लिए क्या महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से भागा था, क्योंकि भारतीयों का क्या हुआ था उस टाइम पर, स्वतंत्र होने के लिए पहला संग्राम छेड़ दिया गया था, कहां पर, मेरठ के अंदर, जिसे आप मेरठ की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्या, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया, वन लाइनर, इसी को हम क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, याद रखना, हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा किसे दी जाती है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम को, ठीक है। अब देखो कुछ सेशन हम कवर कर लेंगे, किसके भी छोटे छोटे से सेशन है उन्हें देख लेंगे एक बार। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमें पता चल गया कि स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को, इसकी अगर हम सेशन की बात करें, 1885, 1886, 1887 और 1888, 1887, एक सेकेंड भाई, 1885, 86, उसके बाद 1887, उसके बाद 1888, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट 1924, 1924 से पहले 1917 का ले लेते हैं भाई, 1917, 1917 के बाद 1924, उसके बाद 1925, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सेशन है, ऐसी रेगुलरिटी के साथ हम क्लास के अंदर इनको कवर करते हुए दिखाई देंगे। याद रखना, पहले सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहाँ हुआ था, बम्बई, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, कोई भी आर डी बनर्जी नहीं करेगा, कभी राखल दास बनर्जी कर दो, ठीक है, क्या नाम होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, किसने अध्यक्षता की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता, ठीक है, कहाँ हुआ, कलकत्ता, अध्यक्षता किसने की थी भाई, याद रखना, दादा भाई नौरोजी, याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता करते हुए कौन दिखाई देंगे, दादा भाई नौरोजी, क्लियर। देन उसी के बाद 1857 की कहाँ हुई, मद्रास, कहाँ, मद्रास, ठीक है, याद रखना, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम कौन होंगे, बदरुद्दीन तैयब जी, कौन से सेशन के, मद्रास। 1888 की बात करोगे, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के, ठीक है, कौन होंगे, जॉर्ज यूल, कौन, जॉर्ज यूल, ठीक है भाई, नाम याद रखना, जॉर्जियुल, पहले विदेशी, ठीक है, या कोई गैर भारतीय, ठीक है, कौन होंगे, जॉर्जियुल, जो क्या करते हुए दिखाई देंगे, अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। 1917 पहली क्या होंगी, महिला, लेकिन वो पूछ लेगा ना, पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी, कौन होंगी भाई, एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट, क्लियर। 1917 के सेशन को, 1924 के सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन होंगे, बेलगामी अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी, कौन होंगे, गांधी, गांधी जी, क्लियर, गांधी जी, ओके। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन कौन, सरोजनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ठीक है, भारत के अंदर किसी भी राज्य की, भारत के अंदर किसी भी राज्य की पहली क्या, महिला राज्यपाल बनने का भी किसे प्राप्त है, दायित्व,
सरोजनी नायडू को, और वो याद रखना उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। क्लियर? तो हमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस याद रखनी है। तो 1920 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर के अंदर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी, ठीक है? ऐसे इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम एक बार बहुत बेहतरीन जीके कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, श्रीलंका में महायुद्ध कब समाप्त हुआ, ठीक है? श्रीलंका में महायुद्ध कब समाप्त हुआ, 2009 के अंदर, ठीक है? श्रीलंका में कब हुआ था गृह युद्ध समाप्त, 2009 में। जैसे कि अब वर्तमान में हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो सबको याद रखना है श्रीलंका, ठीक है? भारत के साथ अगर हम बात करें तो दो पड़ोसी, क्या कैसे, स्थल पड़ोसी देश, ठीक है? कैसे, समुद्री सीमा, स्थल नहीं, कैसे, समुद्री। तो समुद्री पड़ोसी की बात करेंगे तो कितने देश हैं, दो, याद रखना। एक कौन सा है, श्रीलंका, पहला श्रीलंका, और दूसरा क्या है, मालदीव। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। क्लियर भाई? तो मालदीव और श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे, इसकी राजधानी कंप्लीट सबको याद होनी चाहिए, राजधानी, राजधानी, ठीक है? तो राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगी, जयवर्धनेपुरम कोट्टम, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। क्लियर हुआ ना? इसी की अगर हम बात करें तो पीएम कौन है वर्तमान में वहां के, राष्ट्रपति कौन है वहां के इस टाइम वर्तमान में, ठीक है? श्रीलंका की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, भारत और श्रीलंका, याद रखना, पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है? पाक जल संधि। देखो इस प्रकार से अगर हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, और इस प्रकार से क्या लटका हुआ है यहाँ पर, ये है हमारा श्रीलंका, ठीक है? तो याद रखना ये वाला जो बीच का एरिया है, ठीक है, ये क्या है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है भाई, ये क्या है, पाक स्ट्रेट, याद रखनी है, पाक जल संधि। पीएम की बात कर रहे हैं दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है? अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राणा विक्रम सिंह रिंगे, राणा विक्रम सिंगले, ठीक है? राणा विक्रम सिंगले, ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमें श्रीलंका से याद रखना है इतना कुछ, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत श्रीलंका के बीच की पाक जल संधि कंपलसरी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई? याद रखना। अभी वर्तमान में खाद्य आपातकाल कहाँ अनाउंस किया गया है, खाद्य आपातकाल। याद, सवाल इस तरीके से पूछेगा आपसे एग्जामिनर, भारत के किस पड़ोसी देश में खाद्य आपातकाल को घोषित किया गया है, आंसर क्या होगा, श्रीलंका। आंसर क्या होगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका के लिए छोटे छोटे फैक्ट याद रखने, राजधानी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? करेंसी पूछ सकता है, श्रीलंकन रुपया होगा, ठीक है? पीएम की बात करेंगे दिनेश गुणवर्धने, राष्ट्रपति राणा विक्रम सिंघे, ठीक है? और भारत और श्रीलंका के बीच क्या होगा, पाक जल स्ट्रेट होगा, ठीक है? दो पड़ोसी देश मोस्ट इंपोर्टेंट, एक मालदीव देन श्रीलंका, ठीक है? देखो इस तरीके से दर्शाया गया है कि कहाँ पर होगा पाक स्ट्रेट, ठीक है? तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ठीक है, सेशन को आज यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे दोबारा से। सेशन को लाइक करेंगे सभी कैंडिडेट, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके सेक्शन में बताएंगे क्लास कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।